उनको लेकर उनके उनको ले, उनके लिए ये बजट एक बड़ा संदेश देने वाला बजट होगा और मुझे लगता है कि आम आदमी उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। जो घटना घटी है उसको मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देखिए, कल ये घटना हुई है और उस पर हमने कहा कि बड़ी उस पर जाँच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला और जो रात को जो मैंने मुझे खबर मिली मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसको उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच कर देते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सर, ये रोड मंजूर थी और ये कहीं आपको लगता नहीं ऐसा कि अभी जो हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसके मुताबिक जब हम डेढ़ लेन की सड़क वहाँ के लिए वहाँ पर बनती है जहाँ पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जिन पर ट्रैफिक कम है उनको डेढ़ लेन से जोड़ेंगे और जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा है जैसे मैदानी जनपद है उन पर ट्रैफिक काफ़ी होता है तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। ये मैंने घोषणा किया था, फिर मैं बीच में जब हादसा के समय आया था तो उस समय मैंने गोपेश्वर में भी ये बात कही, सॉरी आपदा से पहले जब मैं आया था तब भी मैंने ये बात की थी। मैं समझता हूँ कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, बाकी वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जबकि भ्रम हमने पहले ही दूर कर दिया।